हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 24 नवंबर रविवार का दिन है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज आप कौन से क्षेत्र में कार्य करें जिससे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, स्कृति में वृद्धि हो सके, साथ ही साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, इसके लिए क्या करें और क्या करना करें। आपके जीवन में आज कौन सी खुशियां आने वाली हैं तथा आज आप कौन सी परिस्थितियों का सामना करने वाले हो। आज जो है आप कौन से लकी नंबर और कौन सा लकी कलर आपके लिए रहने वाला है, इन सभी के बारे में जानेंगे विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको रोजाना राशिफल समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को आज बताना चाहूंगा कि नौकरी धंधे में आपका दिन काबिल बेहतरीन रहने वाला है। बेहतर पदोन्नति की आपको प्राप्ति होने वाली है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। पारिवारिक समस्याओं को समझने का प्रयास कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में खुशियां आपके बेहतर बनी रहेगी। नया मकान खरीदारी के लिए सोच विचार कर सकते हैं। विद्यार्थी के लिए समय काफी अनुचित रहने वाला है। शिक्षा क्षेत्र में कुछ बेहतर करने का प्रदर्शन कर सकते हैं। संभावना बेहतर बन रही है। जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। व्यापारिक जीवन में कुछ नया करने का प्रयत्न कर सकते हैं। सफलतापूर्वक आपके हर कार्य सफल होते हुए देखने को मिल सकता है। शुभ समय आपके लिए रहने वाला है। कार्य से जुड़े कुछ बड़े फैसले आप ले सकते हैं। साथ ही साथ संतान से जुड़ी कुछ बड़ी समस्याओं का खात्मा होता आपको देखने को मिलेगा। बेहतर सफलता आपको आज के दिन प्राप्त होने वाला है। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा, आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति होने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। अपने नए व्यापार में भारी मुनाफा मिलेगा। आपका भाग्य उज्जवल रहेगा। धन संबंधी समस्याएं अचानक खत्म हो जाएंगी। नौकरी के क्षेत्र में तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं। आपको उच्च पद प्राप्ति होगी। आप तेजी से प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे। समाज में आपको यश वैभव की प्राप्ति होगी। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध स्थापित होने वाले हैं। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। मित्रों, इसके साथ साथ किसी पुराने मित्र से आज मुलाकात होने की संभावना दिख रही है। आपके जीवन में बहुत ही शुभ बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको किसी योजना के तहत भविष्य में फायदा मिलने वाला है। आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। खेतीबाड़ी के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज अच्छा लाभ मिल सकता है। भावी योजनाओं के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। सकारात्मक सोच और दूरदृष्टि से कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंधों में खुशियां बनी रहेगी। कोर्ट कचहरी और विवादों से आपको राहत मिलने वाली है। पारिवारिक जरूरतों को आसानी से पूरा करेंगे। नौकरी पेशा वालों को नौकरी में पदोन्नति मिलने के योग बन रहे हैं। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा। आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। आपके सभी अधूरे कार्य अब पूरे होने वाले हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप अगर नया वाहन खरीदने के योग बन रहा है, आप नया वाहन या मकान खरीदना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मुरादें पूरी करने वाले हैं। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य जो है उसका प्रोग्राम बन रहा है। समाज में आप अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे। तमाम परेशानियों का अंत होगा। मित्रों, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से संतान की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र और ऑफिस में अपने भविष्य के प्रति खुद को उत्साहित महसूस करेंगे। जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं उन्हें तरक्की के कई सुनहरे मौके मिलने वाले हैं। प्रयत्नशील कुछ नया करने का प्रयत्न कर सकते हैं। आपके आत्मविश्वास और उत्साह में बढ़ोतरी होगी। आपके द्वारा शुरू किया गया नया काम सफल रहेगा। आपके शत्रु पक्ष आपसे दूरी बनाएंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। मित्रों, इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि आज आपके जीवन में कुछ समस्याओं का सामना, कुछ परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है आप अपने वाणी पर नियंत्रित रखें और सबसे तालमेल बनाए रखें। इससे आपके संबंध काफी मधुर होंगे और आप जो हैं लोगों के बीच अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति उभर कर सामने आएंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है किसी से वाद विवाद ना करें और ना ही किसी से झगड़ा मोल लें। आज किसी अनजान व्यक्ति से झगड़े होने की खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सावधान रहें। हो सके तो आज जो है अपने वाणी पर नियंत्रित रखें, कठोर वचन ना बोलें। आज व्यवसाय में आपको ज्यादा धन लाभ, आपके पर्स या सामान की चोरी होने की संभावना नजर आ रही है।
इसलिए शाम को घर से निकलते वक्त अपने पर्स को विशेष रूप से अच्छे रखें और पैसे को फिजूल खर्चों पर ना बुलाएं। जितना हो सके पैसों को एकत्रित करने का प्रयास करें। मित्रों, आज जो है आपका दिन बेहतर बने, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, आपके सभी मनोकामनाएं।